नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? देखो दोस्तों, आजकल टोने टोटके के नाम पर बहकाने वाले बहुत से लोग मिल रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के चक्रों में ना आए। हमारे जो उपाय हैं वो सिद्ध हैं, हम आपको बताएंगे भी और आपसे करवाएंगे भी। आप इन लोगों की झूठी बातों में ना आए और हमारे सच्चे और सरल उपायों का प्रयोग करें। वशीकरण के लिए बहुत ही सरल उपाय हम आपकी सेवा में लेकर आए हैं। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत ही सिंपल चीज़ से भी आप किसी को वशीकरण में कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी को प्यार करते हैं और वो आपसे रूठा हुआ है, या फिर किसी भी कारण से वो आपसे विवाह करने में असमर्थ है, लेकिन आप उसे जी जान से प्यार करते हैं। जी हाँ, हमारे इस बहुत ही सरल उपाय से आपका वो प्यार वापस आ सकता है। आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी अगर आपसे रूठा हुआ है या किसी भी कारणवश आपके पास नहीं आ पा रहा है, तो आप इस सरल उपाय को कीजिए और एक या दो दिन के भीतर आपको आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी का मैसेज ज़रूर मिलेगा। ये हमारा दावा है। दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रेमिका है वो किसी और के साथ है, और वो जिसके साथ है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है? तो आप इस सिंपल उपाय से उसको अपने वश में कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि चाय से भी हम किसी को वश में कर सकते हैं? वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए कि कैसे हम किसी को चाय पिलाकर उसको अपने वश में कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेमिका आपसे रूठी हुई है, या आपका प्रेमी आपसे रूठा हुआ है, या वो जिसके साथ है वो व्यक्ति अच्छे आचरण का नहीं है, तो आप उससे मुक्ति दिला सकते हैं और ये एक नेक काम कर सकते हैं। दोस्तों, एक और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस क्रिया को आप किसी भी गलत काम के लिए प्रयोग ना करें। जी तो आइए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक चाय जैसी चीज से आप कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ चाय और एक कप चाहिए। आप सुबह उठिए, सुबह उठकर बिना ब्रश किए आप एक कप चाय पीजिए। वो चाय पीने के बाद उसमें थोड़ी चाय रहने दीजिए कप में, और इस क्रिया को आप 3 दिन तक लगातार कीजिए। जब वो 3 दिन की चाय आपके कप में इकट्ठी हो जाए, तो आप उसको एक बॉटल में डाल दीजिए। अब इसमें आप अपने पसीने की 2 बूंद डाल दीजिए और इस मिश्रण को उस व्यक्ति को जिसको आप वश में करना चाहते हैं, या तो उसके खाने में उसको मिलाकर खिला दीजिए, या फिर उसकी चाय में इसकी थोड़ी मात्रा डालकर खिला दीजिए। यह हमारा दावा है कि इस क्रिया को करने के बाद वो व्यक्ति या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी जो आपसे रूठ गया है या किसी और व्यक्ति के साथ चला गया है, आपके पास अवश्य वापस आएगा। एक तो आप उसको उसकी उस जिंदगी से निजात दिला सकते हैं जो आपके हिसाब से अच्छी नहीं है, और वो व्यक्ति ठीक नहीं है जिसके साथ वो है। तो सिर्फ इस सिंपल सी क्रिया से आप उसको अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी लव मैरिज में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी के माँ बाप तैयार नहीं है शादी के लिए, या फिर आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी किसी और के साथ चला गया है, तो इस लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इस सिंपल सी चाय का प्रयोग करके उसको अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिंपल सी क्रिया का यूज़ करके, एक चाय का प्रयोग करके बहुत से नामी गिरामी लोगों को अपनी ज़िंदगी सफलतापूर्वक जीने का मौका मिल रहा है, जो अपना प्यार खो चुके थे और बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनका प्यार अभी वापस नहीं आएगा, वो भी आज अपने उसी प्यार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्रिया करने में भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही हो या कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप बेझिझक 24 घंटे में कभी भी हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये नंबर है +91 9680 910
9 8 2 5 2। तो दोस्तों हिंदी में एक बार फिर मैं आपको ये नंबर बता देता हूँ, +9 1 9 6 8 0 9 1 0 2 5 2। तो देखा कितना सरल उपाय था ये। क्या आप सोच सकते हैं कि एक चाय से भी आप अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं, आपकी लव मैरिजेस सक्सेसफुल हो सकती हैं? जी हाँ, सिर्फ चाय का उपयोग करके। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इस समस्या से समाधान पाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका जल्द से जल्द आपकी बाहों में हो या आपका प्रेमी आपकी बाहों में हो, तो देर किस बात की, कॉल कीजिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। तो दोस्तों हम तो ये चाहते हैं कि आप अपना जीवन सफलतापूर्वक सुखपूर्वक बिताएं, जैसे कि हमारे बहुत से भाई बहन नामी गिरामी लोग हमारी इन क्रियाओं का फ़ायदा उठाकर अपना जीवन सफलतापूर्वक बिता रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशहाली से भरा रहे और आप लोग सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का उपयोग कर सकें और आप खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।